प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो सब्जेक्ट था अपना साइबर लॉ एंड इथिक्स। ये सब्जेक्ट हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें मॉड्यूल वन हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मॉड्यूल वन में अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट जो है एक ग्लोबल सिस्टम होता है जो कि इंटरनेट जो है कनेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को, ताकि जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स है या स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके। लाइक TCP IP टू लिंक डिवाइस वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब विश्व में जो है इसे कनेक्ट किया जाए। बात किया जाए इंटरनेट की ओरिजिनेशन की, तो इंटरनेट को जो है ओरिजिनेट किया गया इन 1960 में एज अर्पनेट के तौर पे, और सिंस इवॉल्व इनटू बैकबोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशंस। और बाद में इसमें कई सारे चेंजेस आए और इवोल्यूशंस आया, और इसको जो है फिर वर्ल्ड वाइड जो है या मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशंस के तौर पे एक तरीके का रीढ़ की हड्डी जो है ये आपका बना हुआ है, क्योंकि वो एक इफेक्टिव तरीके से काम करता है। क्योंकि देखो, आप अभी हमारी वीडियो को कंजम्पशंस कर रहे हो, हमारी वीडियो को आप देख रहे हो, तो हमारी वीडियो को देख रहे हो आप, कैसे देख रहे हो बताओ? आपके पास इंटरनेट है तभी आप देख रहे हो भाई। मान के चलो कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं रहता, क्या आप हमारी वीडियो को देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते। तो उसी तरीके से अगर आपको, मान के चलो किसी भी हीरो का फोटो देखना है, तो एक तो चीजें थी अगर पहले के जमाने में, यानी 1960 से पहले अगर देखें तो सिनेमा घर में, या फिर मान कर चलो कि आपका जहाँ पे फिल्म शूटिंग हो रहा है वहां पे जाके देखना था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई आप गूगल पे सर्च करो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपको जिस भी हीरो का फोटो, जिस भी हीरोइन का फोटो या किसी भी चीज का फोटो, आप उसका कंजम्पशंस कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके कंजम्पशंस किस तरीके से कर रहे हो, सही डायरेक्शंस में कंजम्पशंस कर रहे हो या फिर गलत डायरेक्शंस में कर रहे हो, ये अब आपको देखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपका जो है यहाँ पे है। और उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स के बारे में बात किया जाए, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है का कई सारे टूल्स एंड कंटेंट है जो कि वाइड रेंज आपका है। लेकिन कुछ टाइप्स है जैसे एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, इसमें तो कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें आप एग्जांपल्स इंजीनियर प्लस ऐप को ले सकते हो ना, इंजीनियर प्लस है ना, डिजिटल लाइब्रेरीज जैसे गूगल स्कॉलर, ट्यूटोरियल एंड गाइड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पे MRS स्टडी अगर आप सर्च करते हैं है ना, यूट्यूब पे अगर आप MRS स्टडी को सर्च करते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी एप्लीकेशंस वगैरह देखने को मिलेगा जिस, जहाँ से आप कुछ पढ़ाई कर सके। जैसे आप आ, आ, गेट एकेडमी हो गया है ना, गेट एकेडमी हो गया, इसके अलावा अन एकेडमी हो गया है ना, इसके अलावा आप मतलब कई सारे, मतलब एजुकेशनल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग ऐप देखने को मिलेगा, और हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखने के लिए जो है वहाँ पे आप तत्पर हो।
है ना, जो भी चीजें आपको सीखने के लिए तात्पर्य रहोगे वो चीजें ऑब्वियसली आपको वहां पे देखने को मिलेगा, है ना। इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, सर्च इंजन जैसे गूगल, बींग, टक डॉग फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इन साइक्लोपेडिक्स जैसे विकिपीडिया, ब्रिटानिया ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो, वो चीजें जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। ओके, इसके अलावा डाटा रिस्पॉन्स रिपोजी ट्रीज जैसे ओपन डाटा प्लेटफॉर्म, रिसर्च डाटाबेस, ये आपका हो गया। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स में ईमेल सर्विसेज जैसे जीमेल, आउटलुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अनासा, असाना, ट्रेलो, स्लैक। इंटरटेनमेंट में अगर बात किया जाए तो यूट्यूब, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स जो कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म में बात किया जाए तो एक्सबॉक्स लाइव स्ट्रीम, ऑनलाइन मल्टीप्लायर गेम्स, ये सारे जो है आपका यहाँ पे आ जाता है। आपका यहाँ पे जो है कॉमर्स एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईवे, मीशो, है ना। ऑनलाइन बैंकिंग जो कि बैंकिंग जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, अपना सेविंग अकाउंट खोलकर पैसा जमा कर सकते हो, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो है आपको मिलते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया नेटवर्किंग में बात किया जाए जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जिसपे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना ओपिनियन भी जो है शेयर कर सकते हो। क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ओपन ड्राइव, इसमें क्या होता है कि आप इसके माध्यम से कुछ फाइल्स को शेयर कर सकते हो या फिर कुछ फाइल्स आप स्टोर कर सकते हो, ताकि अगर आपका फोन खराब भी हो जाता है तो गूगल ड्राइव में अगर आप किसी चीज को स्टोर करके रखे हो तो उसमें आपको ईमेल की जरूरत पड़ती है ना, ईमेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ईमेल अगर आपका सही है तो आपका गूगल ड्राइव में आपका फाइल स्टोर्ड रहेगा। आपका फोन डेड हो जाए, फोन टूट जाए, फोन खराब हो जाए, फोन चोरी हो जाए, लेकिन आपका जो डाटा है जो गूगल ड्राइव में आपने सेव करके रखा है वो आपका चोरी नहीं होगा, वो आपका एज इट इज रहेगा। अगर आपका फोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, टूट जाता है फिर भी, तो इस तरीके से आपका ड्रॉप बॉक्स है, ओपन ड्राइव है, और भी कई सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ क्लाउड सर्विसेज पेड होता है, कुछ क्लाउड सर्विसेज जो है आपका फ्री होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्री का क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हो या पेड का कर रहे हो। पेड वाले में थोड़ा फैसिलिटीज जो है आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, है ना, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपको मिल जाएगा, शेयरिंग इजिली हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बेनिफिट्स अगर बात किया जाए ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो एसेसिबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन जो होता है या जो भी सर्विसेज आपको मिलती है 24/7 आप कहीं से भी कहीं पे भी देख सकते हैं। जैसे आपको मानकर चलो कि YouTube पे अगर कोई फिल्म आया, या फिल्म छोड़ो कोई भी वीडियो, मानकर चलो कि आपको सर्च करना है बीटेक सेवेंथ सेमेस्टर का क्लास, है ना, सिविल, तो मान के चलो कि अगर ये आप सर्च करते हो बीटेक सेवेंथ सेमेस्टर क्लास सिविल का, तो ये जो क्लासेस है आप रात के 12 बजे देखो, दिन में 12 बजे देखो, या रात के 2 बजे देखो, या दिन में 2 बजे देखो, या फिर सुबह मॉर्निंग में देखो, कभी भी आप सर्च करके देख सकते हो। तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है
वो आपको इजीली मिल गया, और 24 आवर्स मतलब हर हमेशा वो आपका पास ही रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको फ्री भी मिल जाएगी, कुछ चीज़ें अगर पैसा पे करके लेना भी रहा तो एकदम मिनिमम ऑफ द मिनिमम पैसा लगेगा। जैसे पर डे जो समोसे या चाउमीन मंचूरियन जो भी खाते हो उसी प्राइस में आपको जो है मिल जाएगा। मतलब सस्ता से सस्ता आपको चीज़ें जो है आपके पास मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, रिमोट वर्क यानी कन्वीनियंस हो गया। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स और इंटरेस्ट भी आपको यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है कंटेंट में। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा, जैसा आप खोजो वैसा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और फ्री या कॉस्ट अगर लगता भी है तो एकदम नॉमिनल कॉस्ट लगेगा, एक इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव आपका होगा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में यानी आज से अगर मान के चलो कि 10 साल है ना, क्योंकि 10 साल पहले उतना यूट्यूब सोशल मीडिया गूगल का उतना बोलबाला नहीं था है ना। 2016 के बाद ही ये चीजें जो है थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हुआ है। और इवन जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन जो कि 2020 में, तो उसमें ये चीजें थोड़ा और ज्यादा हाईलाइटेड हुआ। नहीं तो 2020 से पहले इंटरनेट तो थी लेकिन उतना यूजेज कोई नहीं करता था, मिनिमम यूजेज होते थे लेकिन कंजम्पशंस भी कम होते थे। लेकिन 2020 के बाद इसकी कंजम्पशंस यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा आप कोलैबोरेट कर सकते हो है ना, एक टीम वर्क कर सकते हो, जैसे जूम फैसिलिटीज हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, ईमेल जीमेल मीटिंग हो गया। तो अलग अलग तरीके से आप अक्रॉस अ डिस्टेंस मतलब कोई कितना भी दूर क्यों ना हो आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। चैलेंजेस एंड कंसर्न, तो मिस कम्युनिकेशंस, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस या न्यूज होते हैं जो कि स्प्रेड किया जाता है जो कि गलत न्यूज होता है। इसके अलावा इसमें रिस्क होता है डाटा ट्रैकिंग और सर्वेलेंस का, जो कि प्राइवेसी इश्यूज जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड यानी नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू इंटरनेट ऑन ऑल डिवाइसेज, मतलब हर किसी के पास इंटरनेट की सुविधाएं एक जैसी नहीं मिलती है। इसके अलावा ओवरलोड, जिसके कारण से जो कंटेंट होता है उसकी जो कंजम्पशंस होती है, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसका कंजम्पशंस रेगुलर बेसिस पे हर किसी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो उस पे ओवरलोड आ जाता है। इसके अलावा हैकिंग, मैलवेयर यानी किसी न किसी तरीके का धमकी तरीके का मतलब एक सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी जो है देखने को मिलता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन ऑनलाइन रिसोर्सेज में बात किया जाए तो AI पावर्ड सर्च इंजन, इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन फॉर सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स एंड IoT इंटीग्रेशन, ये आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। मतलब इन चीज़ों पे अभी काम और हो रहा है और आने वाले समय में इस पे और जोरों से जो है आपका काम चलेगा। रिस्पॉन्स सिवल यूज ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे फास्ट चेकिंग यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसकी क्रेडिबल सोर्सेज क्या है उसको वेरीफाई आप कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज यानी आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है या आपके फोन है तो उसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखो। तीसरा टाइम मैनेजमेंट है ना, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो भी आप यूज करते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, उसका एडिक्शंस आपको नहीं करना है। मतलब एडिक्टेड पर्सन उसका नहीं बनना है कि नहीं हम लिंक्डइन यूज नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखेंगे तो हमारा टाइम नहीं जाएगा। तो टाइम को मैनेज करना है कि किसी भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को
आपको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करना है, या अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए, तभी आप उसको ज्यादा कंज्यूम करिए। इथिकल यूजेज जैसे रिस्पेक्ट कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी लॉ, तो ये सारी चीजें पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड आपका पॉइंट्स था जो कि मैंने आपको बताया। और ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या आपका है, किसमें ज्यादा यूजेज हैं, तो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन रिसोर्सेज में क्या है, आप गूगल पे भी जो है सर्च कर सकते हो कि भाई MRS स्टडी क्या है ना, या फिर आप सर्च कर सकते हो कि साइबर लॉ क्या है ना, साइबर लॉ क्या है, या साइबर लॉ एंड एथिक्स के बारे में आप सर्च कर सकते हो। तो जो भी आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर रहे हो है ना, जो भी आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर रहे हो और अब वो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रिसोर्सेज आएंगे। ऑफलाइन रिसोर्सेज में क्या आएगा, बुक्स। ऑफलाइन रिसोर्सेज में क्या आएंगे, बुक्स। अगर आप एक बुक को मान कर चलो कि आप बुक पढ़ रहे हो साइबर लॉ का है ना, साइबर लॉ का बुक पढ़ रहे हो, तो साइबर लॉ का अगर बुक खरीदने जाओगे दुकान में, तो आपको लगभग मान कर चलो 500 रुपये, या हो सकता है कि 250 से 500 रुपया आपसे मांगा जाए कि भाई अगर आपको ये बुक लेना है तो आपको 250 से 500 के बीच में, या हो सकता है इवन मोर है ना, इवन मोर, और ज्यादा पैसा भी जो है आपको लग सकता है। लेकिन वही अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज में देखते हो है ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज देखते हो, तो या तो वो एकदम फ्री में मिल जाएगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत पैसा लगेगा भी तो 100 रुपये या 50 रुपये, या हो सकता है इवन 200 रुपये, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब एक इफेक्टिव प्राइस, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ना हमारा, जहाँ बुक हम 500 में खरीद रहे थे वहां पे हमें जो है सारी रिसोर्सेज हमारे पास मिल जाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेवल चार्जेस भी हमको देने की जरूरत नहीं है, हमें घर पे बैठे बैठे चीजें मिल जा रही है। तो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज के कारण से हुआ, और ऑनलाइन रिसोर्सेज कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हो है ना, या तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, गूगल्स हो सकते हैं, या कोई सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, या कोई इवन और अदर प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आप चीजों को, ऑनलाइन रिसोर्सेज को ग्रैब कर पा रहे हो। तो ये चीजें हैं, और जो भी आगे की क्लासेस होगी उसमें हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज के बारे में, और उसका क्या यूजेज है, कैसे और उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।